हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आई एम शशि झा। आई वेलकम यू ऑन यूट्यूब चैनल ऑफ चाणक्य क्लैट क्लासेस। चाणक्य क्लैट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हमारे यहाँ रेगुलर टेस्ट सीरीज चल रहे हैं, तो आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो चाणक्य क्लैट क्लासेस के ऐप के द्वारा। और आप चाणक्य क्लैट क्लासेस के यूट्यूब को सब्सक्राइब करो, ताकि आपको ये छोटे छोटे टेक्निक मिलता रहे। आज मैं आपको मॉडल वर्क समझाने जा रहा हूँ। तो मॉडल जो कि आपके एग्जाम में आते हैं, तो उसके लिए समझाने के साथ साथ कुछ टैग क्वेश्चन भी मैं आपको दिया हूँ, जो आपको पहले सॉल्व करने होंगे। तो 10 सेकंड के अंदर आप ये सभी क्वेश्चन को पहले सॉल्व करो, फिर मैं आपको मॉडल से रिलेटेड कॉन्सेप्ट बताऊँगा। मेरे बच्चे, मैं आपको बताऊं यार, ये मॉडल वर्ब क्या है? देखो, जब आप ऑक्सिलरी कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाया था, उस वीडियो को आप देख सकते हो, वहां से भी आपको मॉडल के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। फिलहाल मैं शॉर्ट में थोड़ा समझा दूं। ये जो मॉडल वर्ब है ना, इनके साथ थोड़ा ये ध्यान रखना कि ये कौन कौन है भाई। तो लगभग आप नाम जानते हो, जैसे कैन, कुड, शैल, शुड, मे, माई। तो इन सबको थोड़ा ध्यान रखना कि अगर कहीं पर ये सभी मॉडल आते हैं ना, शैल, शुड, मे, माई, कैन, कुड, तो मॉडल वर्ब के साथ हमेशा याद रखना, वर्ब का हमेशा बी फॉर बी वन फॉर्म भी लगता है। याद रखना, मॉडल वर्ब के बाद यानी कैन, कुड, मे, माई, शैल, शुड के बाद हमेशा क्या आएगा? बी वन आएगा। तो आप एक तरह से नोट में लिख सकते हो, मॉडल वर्ब प्लस बी वर्ब। जब कभी भी ये सभी मॉडल दिख जाए आपको, उनके साथ हमेशा बी वन लगाना। कोई भी दूसरा फॉर्म वर्ब का आप नहीं लगाते हो मॉडल वर्ब के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन को देखो, कहता है ही वुड ब्रोक अ प्लेट एवरी डे। आगे मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं, आगे मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं। कुछ बच्चे ऐसा नहीं करते, जब तक क्वेश्चन पूरा पढ़ता नहीं उसको संतुष्टि नहीं मिलती। यार ऐसा क्या है, हमारे पास टेक्निक है, टेक्निक हुआ बात खत्म करो। तो अब है कि मैं देख रहा हूँ यहाँ पर उड़ है, उड़ एक मॉडल वर्ब, और हमने पढ़ा मॉडल वर्ब के बाद क्या आता है, बी वन आता है। तो ब्रोक जो है ना, वो ब्रेक का वी टू फॉर्म है, ये वी टू फॉर्म है, तो वो आना नहीं चाहिए था, वी वन आना चाहिए था, यानी ब्रेक होना चाहिए था। तो ही वुड ब्रेक अ प्लेट हो जाएगा। तो एग्जाम में आपको इतना नहीं करना, सीधा आंसर करना ए। क्या कॉन्सेप्ट रहा भाई, कि मॉडल वर्ब के बाद हमेशा वी वन आता है। इस कॉन्सेप्ट को एकदम याद रखना, हमेशा काम करेगा। दूसरी बात अब ये आती कि सर ऐसा है कि कभी भी जैसे वुड हो, शुड हो, अगर कहीं ध्यान रखना, जैसे कहीं पर पास्ट आपको बताया, मैंने आपको बताया पास्ट टेंस कौन होता है, जहाँ वी टू नजर आता है या लास्ट नजर आता है, अगो लगा रहता है, पास्ट लगा रहता है, यानी कुछ ना कुछ सेंस देगा जब पास्ट की बात करें। तो जहाँ पर भी कहीं पर अगर पास्ट टेंस का सेंस है ना, तो वहाँ पर मे का यूज नहीं करोगे, माइट का यूज करोगे, विल का यूज नहीं होगा, वुड का यूज करोगे। ये चीज़ का ध्यान रखना, जहाँ कहीं पर यस्टरडे लगे, पास्ट का सेंस आए, पास्ट वाली फीलिंग के साथ कभी भी आप कैन का, मे का, सेल का यूज नहीं करना, शुड का यूज करना, वुड का यूज करना, कुड का यूज करना, ये सभी ध्यान रखना छोटा सा। अब देखो यहाँ पर वेस्ट मटेरियल शुड बी रिसाइकल। अच्छा सर ऐसा है, ये तो शुड है मॉडल वर्ब, बिल्कुल भाई, और मॉडल वर्ब के बाद बी लगा भाई। यार आपको पता होना चाहिए बी भी एक ऑक्सिलरी है, बी ऑक्सिलरी है, इसका बी वन आता है, बी बी टू आता है आपका वॉज, बी थ्री इसका होता है बिन, बी फोर आता है बी, और बी फाइव होता है इज। आपको ये ध्यान रखना होगा। तो बी एक मॉडल वर्ब नहीं है बल्कि ऑक्सिलरी वर्ब। तो हमें पता है कि मॉडल के बाद बी वन आना चाहिए, तो यार शुड मॉडल वर्ब था, इसके
बाद बी दिया, ये वी वन है, बिल्कुल सही है। तो अब याद रखना शुड बी के साथ हमेशा वी थ्री आता है, शुड बी प्लस वी थ्री होता है, ये याद रखना, शुड बी प्लस वी थ्री होता है, ये याद रखना। क्योंकि सर शुड तो मॉडल है ना, उसके बाद बी तो ऑलरेडी आ चुका है, बी वन है ना। अब मैं शुड के बाद वी थ्री नहीं बोल रहा हूँ, याद रखना शुड बी के साथ वी थ्री आएगा, तो यहाँ पर रिसाइकल ना होकर के रिसाइकल्ड हो जाएगा, वी थ्री हो जाएगा। याद रखना शुड तो मॉडल वर्ब है, लेकिन उसके साथ अगर बी लगा रहे तो शुड बी के साथ वी थ्री आता है, याद रखेंगे। तो इसका आंसर हो गया आपका बी, क्लियर है। अब नेक्स्ट आगे बोल रहे हैं, कहता है द पुलिस थिंक दैट सी मे बी हियर यस्टरडे। अब देखो यार यहां पर यस्टरडे लगा हुआ है, यस्टरडे लगा हुआ है, किसकी बात हो रही है यहां पर, पास्ट की बात हो रही है, यस्टरडे है, किसकी बात हो रही है, पास्ट की बात हो रही है। और मैं अभी अभी आपको बताया था कि पास्ट के साथ आप मे का यूज नहीं करोगे, विल का यूज नहीं करोगे, किसका करोगे, तो मे के बदले माइट का यूज होगा, कैन के बदले कुड का यूज करोगे, विल के बदले कुड का यूज करोगे। तो यस्टरडे पास्ट को बता रहा था, यहाँ पर मे नहीं होकर के माइट हो जाएगा और आंसर हो गया इसलिए बी, क्लियर है। नेक्स्ट कहता है सी होप दैट सी विल पास द लॉ एग्जाम। अब देखो यहाँ थोड़ा सा यहाँ पर आप देखोगे तो अब इसमें हम क्या करें, इसमें आप क्या करोगे, सी होप है यार, यहां देखो वी टू है ना, और वी टू मतलब क्या हो गया, पास्ट हो गया ना। तो जब भी आप देखे कि पास्ट है तो पास्ट में विल का यूज करोगे, नहीं करोगे ना, पास्ट के साथ कभी भी कौन से मॉडल वर्ब का यूज होगा, विल के बदले वुड का यूज होगा ना, तो आपका आंसर हो गया बी। तो ऐसे छोटे छोटे टेक्निक आपको मिलते रहते हैं, ऐसे ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं, तो ये टेक्निक का बहुत सारा यूज होगा आपको एग्जाम में। तो बने रहो चाणक्य क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।